ऑडियंस की वजह से ही हम लोग हैं, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद इस फिल्म को चाहिए, जैसे कि आप लोग अभी तक देते आ रहे हैं दो दिन से। मैं चाह रही हूँ कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद दर्शक मेरी फिल्म के लिए बनाए रखे, जो सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे, स्पेशली ये पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। मतलब आई मीन से दैट कि ऑडियंस को देख के उनको ध्यान में रख के बनाई गई उनके इंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं चाहती हूँ अपना प्यार और आशीर्वाद इस फिल्म को ज़रूर दें। मेरा किरदार तो वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अगर मेरे दर्शकों को ये किरदार पसंद आ रहा है तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। आई एम वेरी लकी कि मैं उनकी इस फिल्म में काम की हूँ और उन्होंने मुझे कास्ट किया, इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस मूवी में इस रोल के लिए मतलब मुझे कास्ट किया। और सारे इस फिल्म के जितने एक्टर हैं, मतलब अवधेश सर जी, मनोज टाइगर जी और शीतल जी, आयुषी जी, कल्लू जी, शुभम तिवारी जी जो मेरे अपोजिट हैं, तो सभी बहुत अच्छे, रितु जी अकॉर्डिंग जो मेरी बहन बनी है, सभी बहुत अच्छे, इसलिए सिनेमा बहुत अच्छा बना। शुभम जी देखिए, लोग आपको याद कर रहे हैं, मिसिंग वो है नहीं यहाँ पे, एक्चुअली वो शूट पे है तो आ नहीं पाए, बट कोई नहीं, मैं तो आई हूँ ना, मुझे भी देख लो। जी जी, एक्चुअली वो जी जी सुन रहे हैं ना, अगर आप ये न्यूज़ देखिएगा तो देखिएगा, बिल्कुल साउथ इंडियन लगते हैं और पब्लिक की खासतौर से आपकी डिमांड है। अच्छा, एक्शन में ओके। तो वो या ऑफकोर्स कल्लू इज वेरी टैलेंटेड एक्टर, वो बहुत अच्छा एक्टर है। थैंक यू सो मच। तो वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उसने जितना इस फिल्म में किरदार प्ले किया है तो आप उससे तो देख के अंदाजा लगा ही सकते कि वो कितना अच्छा आर्टिस्ट है। किसकी? दोनों की एक साथ सरकी है, आपने देखा ही है। दोनों के एक साथ खटिया सड़की है और पब्लिक ने इसे सपोर्ट दिया, प्यार दिया, इसके लिए थैंक्स। जी वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के अंडर में काम की, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं, सेट पे बिल्कुल परेशान नहीं करते थे, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, जब पैकअप हो जाता है तब उनके अंदर चुलबुलापन जागता है। मेरे पिताजी की कुछ अधूरी ख्वाहिशें बाकी थी उस फिल्म में, इसलिए वो तोप लेके घूमते, ऐसा ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो तोप लेके, वो कॉन्सेप्ट है कि वो तोप लेके चले। वेलकम। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और बहुत अच्छा लग रहा है, आज मूवी का प्रीमियर है सरकारी लोग खटिया जारा लगे का, और मुझे यहाँ के बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे सारे आर्टिस्ट आए हैं और मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या मेरा कैरेक्टर एक चुलबुली कैरेक्टर है और एक नॉटी गर्ल है जो बहुत ही हीरो के साथ है इन्वॉल्व, जो चोरी करती है, थोड़ा बहुत सीन है उसमें, साथ में मिलके थोड़ा चोरी करती है और बाद में फिर हीरो सुधर जाता है तो ये भी सुधर जाती है, साथ में मिलके लोग पाप करते फिर बाद में सुधर जाते हैं, यही एक्चुअली। कल्लू के साथ रोमांस करके बहुत मज़ा आया। एक्चुअली इस मूवी में दो कैरेक्टर हैं जो कल्लू जी के अपोजिट में हैं, एक मैं हूँ और दूसरी है रितु जी, तो लास्ट में क्या होता है, मैं सेक्रीफाई कर देती हूँ कल्लू जी को। मूवी देखेंगे तो अपने आप को सीख जाएंगे रोमांस करना। इनके साथ अवधेश जी के साथ, अवधेश जी बहुत अच्छे इंसान है, ऑब्वियसली उन्होंने 200 से ऊपर फिल्में की है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल फील हुआ उनके साथ काम करके। गाने हैं जो दोनों बहुत सॉलिड सॉन्ग हैं, एक तो मूवी स्टार्टिंग जब होती है तो ही स्टार्टिंग में सॉन्ग है टंगड़ी मलंगड़ी, और दूसरा जैसे अभी इंटरवल हुआ है, इंटरवल के बाद मेरे सॉन्ग आएंगे कहीं नहीं बचेंगी, दोनों ही बहुत प्यारा और फारू सॉन्ग है, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। सॉरी, गाने में कितनी तैयारी करना पड़ा? तैयारियाँ करनी पड़ी, बहुत मेहनत किया हमने सॉन्ग के लिए और अच्छे से
में ही हुआ था एक्चुअली, और जैसे कल्लू जी मजे हुए आर्टिस्ट है, इतना काम किया उन्होंने, और मैं भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में थी तो अच्छे से हो गया सब कुछ। मैं एक्चुअली सीतामढ़ी से रहने वाली हूँ, बिहार सीतामढ़ी से, और ये मेरी पहली फिल्म है जो रिलीज़ हुई है एज ए हीरोइन, एज ए कल्लू जी के अपोजिट में, और आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं जो आप लोग खुद देखेंगे जैसे ही आएगी मार्केट में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे इस फिल्म से, वैसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और आगे आप लोग जैसे मौका देंगे, पसंद करेंगे, तो मैं और भी काम करूँगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। रोमांस तो नहीं कर रहे हैं लेकिन काम ज़रूर कर रहे हैं। और सभी भोजपुरी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सरकाईदेव खटिया को भोजपुरी के इस दौर में, इस दौर इसलिए कहूँगा क्योंकि सचमुच हमारे भोजपुरी सिनेमा की ऑडियंस यूट्यूब ने छीन ली है। मैं चाहूँगा, दर्शकों से दरख्वास्त करूँगा कि मेरी फिल्म हो या किसी और की फिल्म हो, प्लीज़ यूट्यूब से बाहर निकलिए और फिल्म थिएटर में आके, सिनेमा घरों में आकर देखिए। हम फिल्म बनाते हैं सिनेमा घरों के लिए, ना कि यूट्यूब के लिए। ओपी भैया अगर नहीं होते तो शायद से ये फिल्म नहीं बनती। ओपी तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पिंटू सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, अरुण दुबे, गजानन चतुर्वेदी, मेरे बड़े भाई हेमंत गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, इन लोगों के सहकार्य से ये फिल्म बनी है, और आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करके ये फिल्म बनाई। फिल्म से आपको क्या उम्मीद थी और कैसा लगा? फिल्म से जो उम्मीद थी वैसा ही लगा, और कहने के लिए मतलब यही है कि लोग, दर्शक एक एंटरटेनमेंट मूवी को एंटरटेनमेंट जॉनर से पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है एंटरटेनमेंट। बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं दिया हूँ इस पिक्चर में, एक प्रॉपर भोजपुरिया फुल ऑन एंटरटेनमेंट फिल्म है सरकारी देव खटिया जाड़ाला। ऋतु और कल्लू के जोड़ी को सचमुच बहुत ज़्यादा पसंद किया है इस फिल्म में, और किरण और शुभम भैया के भी जोड़ी को पसंद किया है लोगों ने। ऋतु और कल्लू जी का पावर टनाटन खूब चल रहा है, टनाटन हो रहा है, और इनका पावर और टावर दोनों टनाटन हो चुका है। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम लोगों को ऐसा गाना कल्लू जी ने दिया। देखिए, अगर टावर खराब हो जाए तो कल्लू जी से पूछना पड़ेगा, और पावर टनाटन हो जाए तो ऋतु जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि पावर और टावर के लिए सरकार ने खटिया देखना। किरण जी का और शुभम जी का टावर नहीं है यहाँ पर, शुभम जी किरण जी से बस डोरी पे गोदना गोदा रहे हैं, तो गोदना गोदा लिया है शुभम जी ने किरण जी के साथ में डोरी पे, और बढ़िया गोदना गोदा है। बिल्कुल, आयुषी जी म्यूजिक दिया है सावन कुमार ने, बहुत ही अच्छा उम्दा म्यूजिक दिया है, एंटरटेनिंग म्यूजिक दिया है, और उसमें से पहली बार हम लोगों ने मेरे ख्याल से तंबाकू के ऊपर, कोई खैनी बेचैनी के ऊपर, आयुषी जी के ऊपर गाना आया है, तो उसको भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी हाल ही में जस्ट गाना निकल गया होगा। इनका नाम है शीतल जी, और शीतल जी हमारे फिल्म में बहुत ही अहम लेडी डॉन का किरदार कर रही हैं, और बखूबी इन्होंने अच्छा निभाया है। इनको देख के डर तो लगता है, लेकिन मेरे से ज़्यादा फिलहाल राकेश त्रिपाठी डर रहे हैं इनसे फिल्म में। क्या कहेंगे मैडम आप? सबसे पहले तो पराग सर को थैंक यू सो मच बोलूँगी, उन्होंने मुझे कास्ट किया, और करके कल्लू जी, शुभम जी, रितु जी, आयुषी, किरण जी, और मेरा इसमें लेडी डॉन का कैरेक्टर है मोना डार्लिंग का, तो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा प्ले करके। और बस जी, अभी फिलहाल तो सरकारी लो खटिया ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म है एक्चुअली, और अब सेकंड मूवी नागराज, अब उसके बाद में और भी प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये हमारे इस फिल्म के फाइनेंसर हैं पिंटू सिंह जी, ये हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश दुबे जी, मुझे आप जानते ही हैं। हाँ, अरे हमारे ये इनके बनुई हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। देखो मजाक मत करो। हाँ,
सरकारी लोग खटिया जो मूवी बनी है, जो फिल्म भोजपुरी फिल्म बनी है, ये भोजपुरी में एक अलग विधा हम लोग दिए हैं कॉमेडी का, हंसने का, हंसाने का, और थोड़ा भी वर्गल नहीं है। हम दर्शकों से चाहेंगे वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के इस फिल्म को आनंद लें, देखें और इस फिल्म को सराहें, क्योंकि सराहने लायक फिल्म। और पराग ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है और हमारे राकेश त्रिपाठी जी ने लिखा भी अच्छा है, कहीं गलत शब्द का उपयोग नहीं है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएं, देखें, और हमारी पूरी शुभकामना है इस फिल्म के लिए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि इस पिक्चर को आके सब लोग अपने परिवार के साथ देखें। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, फैमिलियर पिक्चर है, जो लोगों के मन में भोजपुरी पिक्चरों के बारे में भावना रहती है कि भाई वल्गर होगा, ये होगा, लेकिन ये पिक्चर एकदम पूरी तरह से फैमिलियर है। एक भी शब्द, एक भी सीन कोई ऐसा नहीं है कि जो फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखा जाए। दर्शकों से यही अनुरोध है कि आएँ, इसको देखें। और पराग पाटिल ने काफ़ी मेहनत करके और बाकी सब कलाकारों ने पिक्चर के मेहनत करके बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। अच्छी पिक्चर है, भोजपुरी के हिसाब से बहुत अच्छा है, ना गलत इसमें कुछ है, जैसा होना चाहिए। जितने जन कलाकार लोग मेहनत किए हैं उनका मेहनत है, पिक्चर जो देखेगा सफल है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र जो है चतुर्वेदी जी, बाकी तिवारी जी, बाकी भैया लोग, हाँ भैया लोग के साथ में बोला हूँ, अगली पिक्चर हम बोल रहे हैं, भैया को बोले चलो हम बनाएंगे, और वो भी यूपी से, अच्छा है। अगली पिक्चर बनाएंगे, वो पूरी शूटिंग पूरा उत्तर प्रदेश में करेंगे। हमारी धरती की खुशबू है, अच्छे से रहेगी, अच्छा है, भोजपुरिया लोगों को खुशबू के साथ होना चाहिए। जो कल्लू है, पवन जी है, कैसे भी लाल है, जितने भोजपुरी एक्टर है सब अच्छे हैं, सब अच्छा बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सोचा, लेकिन अच्छा है, पिक्चर बहुत अच्छी है, मेहनत लोग का शुक्र है, देखने वाले लोग पसंद है, फैमिली के साथ में देख सकते हैं। भाई हमारी कॉल बा, हम पिक्चर भोजपुरी पिक्चर ऐसे बनौनी कि हमने की भोजपुरी के संस्कृति लोग खराब करता है, वल्गरिटी बा, गाना बा, तो हमारा आवे के मकसद ही रहे, ये फिल्म बनाओ के मकसद ही रहे कि फिल्म में भोजपुरिया संस्कृति के ऊपर उठा के दिखावल जाए। अगर ये फिल्म जनता हमारे सराहती है, हमारा के सक्सेस देती है, तो हम ऐसा फिल्म लगातार बनाने की कोशिश करब, कोशिश करब कि अपना संस्कृति के बचावल जाए। नहीं, भोजपुरी के बारे में हमारे शुरुआत सोच ठीक रहे, कहे कि हम भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाला हैं, हमारे कोनो भोजपुरी के बारे में खराब सोच ना रहे, लेकिन कुछ लोग अपना पर्सनल फायदा खातिर, अपना पर्सनल कमाई खातिर भोजपुरी के एकदम नंगा कर दिया, कुछ लोग पैसा कमाए खातिर, तो हम चाहते नहीं वह सुधारल जाओ, अपना संस्कृति के बचावल जाओ, अपना भाषा के सम्मान बढ़ावल जाओ। हम बलिया के रहने वाला हैं, और चूँकि सिनेमा हम 25 साल से बम्बई रहते नहीं, सिनेमा लाइन में आवे के वजह ही रहे कि हमारी गजानन बाबा चाहे पराग, ये हमारे बहुत पुरान मित्र रहे लोग, ये लोग हमारा कई बार सजेस्ट कर लो कि भैया काहे ना एगो बढ़िया पिक्चर बनावल जाए पैसा लगा के, जोना से हमने के नया ट्रैक बनावल जाए, तो इनका लोग कहना पर हमारों बुझाइल कि प्रयास करे के चाहिए अपना समाज, अपना भोजपुरी कल्चर के बचावे खातिर, तो मैं एक हाथी यानी कि चले भोजपुरी बचावल जाए, कुछ आमदनी हो। अगर हम अरविंद हमारा गांव के बगल के रहने वाला है, हमारे बलिया घर है, बक्सर के रहने वाला है, उनका बचपन से हम देखा था नहीं गावत, जब से बच्चा रहे तब से गावत देखा था नहीं, हमें जरूर कहा कि लड़का में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भइल बा, और आगे के स्टार बा भोजपुरिया। और हीरोइन के बारे में दोनों हीरोइन ठीक बाड़ी, तीनों हीरोइन है हमारे, केहू नहीं थे ठीक, नहीं थे, लेकिन जो टेंडेंसी बा अपना फिल्म इंडस्ट्री के, जो हीरोइन हीरो से काम करती है वह करी। ये फिल्म गुजरात महाराष्ट्र में रिलीज हुई बा, अभी बिहार में 15 दिन बाद बिहार यूपी और बाकी स्टेट में रिलीज हुई। पराग पाटिल का ने तो पूरी पिक्चर ही बनाई है, उन्हीं का पूरा सहयोग है। हम तो पीठ के पीछे थे, पर्दे के पीछे थे, तो हमको उन्होंने जो जो कहा उनका समर्थन किया, सहयोग किया बेहिचक, इसलिए ये फिल्म जल्दी बन के इतनी जल्दी रिलीज होकर पर्दे पर आई। बस यह शुभकामना हमारे तरफ से कि पिक्चर आगे जा, बहुत आगे बढ़े, और ये पिक्चर के सक्सेस के बाद हम लोग अगला पिक्चर भी अनाउंस कर जाए, लेकिन उनका टोटल शूटिंग चाहे सब यूपी में, बिहार में मिला के रिलीज हुई है, सरकारी लोग मीडिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक के साथ? खासकर कल्लू जी का डबल।
नहीं सर, फिल्म में तो मैं ऐसे वो नहीं, पहले बोल देता हूँ, खासतौर मैं फिल्म देखने आया था, मुझे फोन किया था कि भाई फिल्म आके देखो बताओ कैसी है। डेफिनेटली मैं फिल्म देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिलहाल हमारे अच्छे लगने से कोई फायदा नहीं होता, हमारी ऑडियंस क्या रिस्पॉन्स दे रही है वो बहुत जरूरी है। आप कहाँ देखते भाई, कहाँ देखते हैं, सभी के साथ देखना ज़्यादा बेटर है। कहीं किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ नो कमेंट्स वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि हम एक डायरेक्टर को डायरेक्टर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि एज एन एक्टर काम करता हूँ, सभी के साथ काम करना है, तो इसके लिए नो कमेंट। पावर टन टन जो उनकी बहुत पावर ऐसा बा कि हम तो शुरू से हिट हैं। लालटेन हम लेके आए रहनी, पता ना बहुत लोग जानल ना जानल, सुपर डुपर हिट गाना रहे। और कल्लू जी भी सुपर डुपर हिट, वहाँ के बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, गायक हैं। सुपर डुपर हिट में श्याम देहाती जी बनी और एक जानी बड़ी प्रियंका सिंह बहुत अच्छा गावेली, बहुत बढ़िया। सबके हिट टीम बटे, हिट डायरेक्टर, हिट फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ अच्छा बा, फिल्म इसलिए हिट जा रही है। और आप लोग का सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद भोजपुरी पब्लिक के, सब लोग आप लोग की वजह से होता है, बहुत अच्छा लगा था। पावर टन टन बेहतरीन गाना जा झार के पावर टन टन हम सुनाओ तनी याद आ गई लाइन, ऐसे हमने धुन याद रह, लिरिक्स ना याद रहा, बट बहुत बढ़िया हिट गाना जाता तो याद आ गया। ए जी हटी जनी सटी पीछे हनी हटी तब छोके छोड़ा जानी रानी बड़ी मन करता। बहुत कॉमेडी का मन बा, मस्त मसालेदार गाना आप लोग सुनी, फिल्म भी बहुत मज़ेदार भी है, कॉमेडी। आप लोग के प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनल रहे हमनी पे। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। होगा अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या धमाका, बस आए पब्लिक देखे। पावर टन 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 काफ़ी हिट जा रहा है, काफ़ी हिट जा रहा है, लोग बहुत सराह रहे हैं। एक होता है कि लोगों का व्यू करोड़ों में जाता है, कहीं सुनाई कहीं दिखाई कुछ नहीं देता है, बट ये गाना पब्लिकली हमने खुद देखा है कि हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गया है एक महीने के अंदर में, और बहुत बढ़िया गाना जा रहा है।